हरार महादेव। सब लोग सोच रहे होंगे भाई इतने सारे लोग बस में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, तो भाई हम लोग जा रहे हैं पम्प। अरे बैठ तो ऐसे पकड़ो यार, एकदम स्टार प्लेयर हैं, मेंटर हो जो बैठान हो गए भाई लैंड पर। बहुत कुछ हुआ, बताता हूँ अभी अंदर चल के। जैसा बाल तो कटा लिए है, माही जैसा मारना भी पड़ेगा जिस काम के लिए जा रहे हैं। मत मारना भाई, वो तीन बॉल पे तीन धोनी। नहीं, छक्का लंबा लंबा उतना मारना पड़ेगा। बाय गाइस, ब्लॉग में ले लिया, ठीक है। भाई पर हम एक बात बताओ, हम लोग को देख के कोई बोलेगा हम लोग खेलने जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करते तो अभी जो कांड हुआ वो भी दिख जाता। हाँ वो भी है, सही बात है भाई। बहुत सारे लोग हैं भाई, छोड़ने तो बहुत सारे लोग हैं। क्या एकदम, अरे नया फीलिंग है ब्लॉगर का। ऐसे कैसे जा रही है? बस आ गया है एयरपोर्ट तक जाने के लिए। ये रात में प्रैक्टिस कर रहे थे बॉक्सिंग मशीन के पास। ये ब्लैक वाला चश्मे वाला प्लेयर नहीं है, जबरदस्ती का फुटेज है बस। ये फुटेज है, खलासी। यार इतना बड़ा बैग किसका है, इतना क्या लेके जा रहे हो? अंशुल भैया बहुत लेट हो गए यार, आप लेट हो गए। आप मिस कर दिए, थोड़ा कंटेंट मिस कर दिए सुबह सुबह का यार। जी सुनो, जीत के आए तो इससे डबल होना चाहिए लोग। चलो बाय बाय। चलो घुसो अंदर, चलो चलो। हमारा कप्तान अंदर गया, कप्तान अंदर। ए कप्तान, चलो श्रीराम सनातन जिंदाबाद। चलो हर हर महादेव। बैट रख लियो ना यार, मेन चीज मत भूलना। आ गए भाई मिनरल बॉडी, ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी। सो हेलो गाइस, तो भाई से निखिल गायक, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहगीर निखिल। तो कैसे हो सारे, बढ़िया? होप करता हूँ सारे ठीक होंगे, मजे में होंगे, ऐश कर रहे होंगे। तो सब लोग सोच रहे होंगे भाई इतने सारे लोग बस में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, तो भाई हम लोग जा रहे हैं पम्प यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑफिशियल हम लोग का एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो वहाँ जा रहे हैं खेलने। 15 लोग हैं ऑफिशियल, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है एक जो हेड आया, वो अभी गया हुआ है अंदर, उससे भी मिलाऊंगा। और अभी तो आ गए मिनरल नी मोदी, यहाँ से अपनी फ्लाइट है आगे के लिए, फर्म के लिए फ्लाइट है। अभी यहाँ पे है मैग्नेट है शायद, आई थिंक, तो मैग्नेट में चलते कुछ खाने पीने का, वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं एक बार। बाकी भैया लोग उधर खड़े हैं और ड्राइवर गाड़ी को देख रहा है एक बार। बस को एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फ्लाइट का भी टाइम है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद, अब फ्लाइट ही है, एयरपोर्ट तो आ ही गए वैसे भाई साहब। पर अगर ऐसे ट्रक अगर इंडिया में आ जाए तो हमारे ड्राइवर लोग तो भाई इसको उड़ाने में आ जाए। जब सोचो टाटा के, भारत बेंज के ट्रक वो लोग 100 पे भगा देते हैं, ये ऐसे इनको मिल जाए वॉल्वो के तो हर पार खतरनाक। तो आ गए एयरपोर्ट, पीछे ही एयरपोर्ट, अब सामान वामान निकालते फिर अंदर चलते हैं।
तो भाई चेकिंग चालू हो गया है, वो अपना वहाँ पे दिख रहा है फ्लाइट नंबर और पॉम का, है ना मस्त। ऑलरेडी बैट तो ऐसे पकड़ो यार, एकदम स्टार प्लेयर है, मेंटर हो। तो भाई चेक इन का अपन मिल गया, सीट मिल गया, 12D। आपका क्या है? 12E। पड़ोसी पड़ोसी आपका क्या टिकट नंबर है? अरे सब, अरे रे आप दूर बैठ गए यार भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये है भाई हमारे साथ जो ऑफिशियल जा रहा है ना, मस्त इंसान है ना, इसको दोस्त तो बना लिया अपन, इसको यहाँ से जाने के बाद यूसुफ, हाँ मस्त इंसान है भाई, यहाँ से जाने के बाद इसको हम अपने साथ घुमाए, झूमे जो पठान। क्या टिकट नंबर है यार आपका? मेरा यार CCD। भाई दूर हो फिर, हम लोग है पड़ोसी पड़ोसी, साथ में बैठेंगे। सबका सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, वो देखो बस एक अपना वो बचा है सिक्योरिटी हेड जो है, हाँ ये जो चश्मा लगा के आ रहा है, बस अब चले। तो भाई अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बोर्डिंग चालू हो, आई थिंक मेरे ख्याल से यही वाले गेट से चालू होने वाली है, पर देख लो पीछे अपने एकदम बस स्टेशन रेलवे स्टेशन लग रहा है कि एक्साइटेड बिल्कुल है ना, मस्त जीत के जिता के लेके आऊँगा अपनी टीम को, जीत के आऊँगा जिता के लेके आऊँगा, लेके आऊँगा। बाकी टीम अच्छी है, परफेक्ट टीम है यार, 90 लोगों में से चुनी है ना, जिन पर विश्वास है, और लोग कब लगे ब्लॉक अभी 2-3 दिन टूर्नामेंट से पहले, हाँ हाँ, तो लिंक डाल दूंगा मैं लाइव की या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइव आएगा मैच देखना, एंजॉय करना, मस्त एकदम मस्त। चलो मेरा भी ब्लॉग आएगा भैया का, भी बोलना उसकी भी लिंक, नया चैनल नहीं देखे हो तो अपना चैनल तो बता दो नया वाला। मेरा चैनल है डॉक्टर्स टॉक, नया चैनल डॉक्टर्स टॉक डॉक्टर्स टॉक विद क्रिश्चियन चौक, अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो आ जाएगा, बाकी डॉक्टर्स टॉक कृष्ण चौधरी डालोगे या फिर डॉक्टर टॉक रशिया डालोगे तो आ जाएगा, तो भी आ जाएगा ठीक है। नया चैनल है थोड़ा, हो सकता है ढूंढना पड़े लेकिन मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी जैसे ही बोर्डिंग चालू होती है फिर अपन बैठते हैं प्लेन में, अब आसपास की सीट है हम लोग की, तो ऐसे विंडो की देखता हूँ, कोई आपका विंडो है नहीं, मानस भी आ गए, छीनने की कोशिश करता हूँ सीट, कब्जा जमाऊँगा अपना, वहाँ पे रुमाल रख दूँगा पहले से जाके। हाँ दे बोला ना एक कम था, चलो आ गए भाई चले, अब तो जहाज भी रेडी खड़ा है अपना, अपन 3 लोग हैं साथ में, टू ब्लॉगर क्या है, मेरा डी है, छोड़ो छोड़ो। आज की मैच की तैयारी है, आरसीबी एंड आई मुंबई डिसाइडर, इफ मुंबई विंस सपोर्ट टू मुंबई, इफ आरसीबी मीन आरसीबी, वेरी गुड क्लियर। देख रहे हो भाई कैसा टाइम पास कर रहे हैं, पहले इसको बोलने दो फिर बोलता हूँ। फ्लाइट तो हम लोग जैसे चढ़ रहे थे पर फ्लाइट हो गई डिले, अभी दिखा रहा है कि 11:30 बजे तक डिले हो गई है, तो कुछ टाइम पास करने को मिल नहीं रहा है, तो देखो ये लोग सब लूडो ही खेल रहे हैं, क्या ही करेंगे, कुछ है भी नहीं करने को। कौन जीत रहा है? संजीव भैया, वेट करने के बाद अब आके, हाँ भैया हवा अच्छी आ रही है, हाँ इतना वेट करने के बाद अब जाके फिर से चालू हुई है बोर्डिंग, हम लोग तो बस में चढ़ गए थे फिर से उतारे हैं, अब देखो यहाँ वापस चालू है, देखते होप सो फ्लाइट उड़ जाए भाई, थक गया पर अब तो सोऊंगा फ्लाइट में जाके, कुछ खाने को मिलेगा एरोफ्लोट की तो मोस्टली खाने को मिलता है, बस भी आ गए, चलो 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 फटाफट। अरे भाई ठंडी हवा रे भाई, ये सीट है आप इधर हो ठीक है, ये है चिकन बर्गर सैंडविच, हाँ सैंडविच है, हाँ इनने निकाल दिया, इनको नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा है खाने में, मैं तो खा के देखा नहीं, मैं तो वेज है, आपका वेज है, ऑरेंज जूस, मेरा भी ऑरेंज जूस, एप्पल देखो कितना था, ये देखो हाथ में है, और एक चॉकलेट है इसके अंदर कुछ वेट वाइप्स है और चम्मच वगैरह, हाँ हाँ इतना मिलेगा, अच्छा है।
चलो खा लेता हूँ पहले, भूख तो लगी रहा था वैसे। पायलट थोड़ा हमारा था वो था डरा दिया था बीच में भाई, इधर उधर कर रहा था थोड़ा बहुत फ्लाइट को, पर हाँ ठीक साइड लैंड हो गए। पम एयरपोर्ट पे आ गए, यहाँ से कुछ रिसीव करने भी आए हमको, तो अभी जाते हैं जहाँ पे हमारा रुकने का अरेंजमेंट है। हो सकता है क्या अरेंजमेंट है वो तो बाहर जाके पता चलेगा, पर बाहर से मैंने देखा काफ़ी बड़ी सिटी लग रही मेरे को पम, तो देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ है 2-3 दिन। तो आप हूँ, मैं हूँ, मेरा कैमरा है और आप देखने वाले हो, है कि नहीं? चलो मस्त एकदम, वेलकम टू पम, पम में आपका स्वागत है। यार मौसम देख के आप लोग बताओ, आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ कि कितना बज रहा होगा, गैस करके देखो कितना बज रहा होगा। ठीक है, कर लिए गैस? आप मन बताओ। अब ये देखो टाइम, ठीक है, रात का बज रहा है भाई 9 है। हाँ पर बड़ी बात है, 9 बजे ऐसा मौसम होना रात के, लोगों को लग रहा हो सुबह के 9 बज रहे हैं भाई। ये तो गजब ही एक्सपीरियंस है कि रात का 9 बज रहा है। मैंने तो यहाँ के लोकल से सुना है कि रात को 10 बजे तक भी उजाला ही रहता है, 10-10:30 तक, हाँ 11 बजे तक, तो सोच लो। और सनसेट भी कुछ टाइम के लिए होगा, सुबह वापस सूरज झुक जाएगा फट से, है समझ रहे हो? मस्त सिटी है, इंटरेस्टिंग। हॉस्टल्स में भी सेटल हो गए अभी, मेरे ख्याल से हॉस्टल्स में हम लोग टेम्परेरी रह रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे को लगता है हम लोग होटल शिफ्ट होंगे। बट अभी हम लोग आए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से निकले थे यार, हम लोग की फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, ब्लॉग में देखे थे, तो सुबह से निकले थे कुछ खाने, तो कुछ खाने आए थे, अभी खा के अब वापस हॉस्टल जा रहे हैं। मेरे को लगता है ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया होगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ये पम की सीरीज़ आएगी, यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, कैसे लोग रहते हैं, रशियंस का यहाँ पर ज़्यादा कल्चर है, मैं जिधर तरफ रहता हूँ उधर रशियन का थोड़ा कम कल्चर है, मतलब वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ की दोनों जगह में कल्चर का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं, और मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय, भैरव रखा, जय हिंद, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।